हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बजट की रसोई में कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। आम के आम, गुठलियों के बादाम, आप कुछ समझे। आज हम ऐसी ही एक रेसिपी लाए हैं, वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। आपने तरोई की सब्ज़ी तो हर मसालेदार सादी बहुत बार खाई होगी, पर आज हम तरोई की छिलके की सब्ज़ी बनाएंगे। हाँ जी, छिलका जो हम अक्सर भाजी को काटते हैं और फेंक देते हैं, तो आज हम इस छिलके को फेंकेंगे नहीं, एक इसका बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने छिलकों को धो लिया है, 2 से 3 पानी इस छिलके को धोकर ले लिया हुआ है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें कम से कम 2 गिलास पानी डालेंगे, जिससे कि तरोई का जो छिलका है वो अच्छे से डूब जाए। तरोई के सारे छिलके को इसमें डालेंगे और इसमें अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि पानी में ये अच्छे से उबल जाए। और इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे, लहसुन कम से कम 1 पूती, ज़्यादातर लहसुन की मात्रा मैंने ज़्यादा ली है। और इसी में हम मिर्ची भी ऐड, खड़ी यूज़ करेंगे। और अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ, तरोई का छिलका पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हाथों की सहायता से, नहीं तो अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर से पीस लीजिए, और इसमें जो रेशा है ना वो रेशा निकाल देंगे। बीच बीच में छोटे छोटे रेशे आ रहे हैं, उसे निकाल देंगे। हम एक बर्तन में इसे शिफ्ट करते हैं और इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच राई का तेल मैंने यूज़ किया, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1/2 चम्मच जीरा, पीसी राई 1/2 चम्मच से कम, और इसी में कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को भुनने के बाद इसमें हम 3 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और उसे भी अच्छे से भुनने के बाद हम थोड़ा क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसमें हम रफली कटे हुए इसमें टमाटर डालेंगे, और उसे भी अच्छे से हम भूनेंगे। इसमें भूनने के बाद उसे ढककर अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि टमाटर एकदम गल जाए। पलटे की सहायता से अच्छे से इसे हम पहले मिलाएंगे, और जब ये मिल जाएगा तो इसमें हम 1 आलू घिसकर हम इसमें ऐड करेंगे, और उसे भी अच्छे से हम मिला देंगे। ये मैंने कच्चा ही आलू लिया हुआ है और उसे घिसने की सहायता या कद्दूकस की सहायता से घिस लिया है। ढककर इसे फिर रखेंगे 5 मिनट, और ये देखिए, अच्छे से हमारा टमाटर भी गल चुका है, जो आलू लिया था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसे भी ढककर पकाएंगे। ये देखिए, हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, 1/4 हल्दी पाउडर, और उसी में 1 चम्मच गरम मसाला भी मिलाएंगे। और सारे मसालों को मिलाने के बाद हम 5 मिनट इसे ऐसे ही पकाएंगे, और फिर इसमें जो हमने तरोई के छिलका रखा था उबाल के, उसे भी ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से इन मसालों में मिलाएंगे इस तरह से, और फिर 5 मिनट के लिए ढककर इसे पकाएंगे धीमी आंच पे। ये देखिए, हमारा तरोई के छिलके की सब्जी तैयार हो गई है। आइए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, टेस्टी बहुत ही। आप इसे रोटी, पराठे और चावल के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।